हमारी गाड़ी चली आज हल्द्वानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। कल रात 10 बजे पहुंचे हैं हम लोग, और हमारी गाड़ी जा चुकी है ठीक होने के लिए शोरूम में। कल रात ही दे दिया था हमने वहां गाड़ी शोरूम में ठीक होने के लिए। तो आज शनिवार है, आज हमारा काम नहीं हो पाएगा, कल होगा हमारी गाड़ी का काम। तो हम लोग कल जाएंगे गाड़ी के शोरूम में अपनी गाड़ी देखने कि क्या क्या कर रहे हैं वो लोग हमारी गाड़ी के साथ, कैसा है उसका हाल देखने के लिए। और अभी हम लोग यहाँ हैं कुसुमखेड़ा में, मेरी ननद के घर में हैं हम लोग अभी इस वक्त। और अभी हम शायद कहीं जा सकते हैं, थोड़ी देर में हम लोग जाएँगे शायद रुद्रपुर। तो मैं वहाँ जाके दिखाती हूँ आप लोग को वहाँ का व्यू कैसा है, कैसा मौसम हो रहा है वहाँ पर। हल्द्वानी में तो वैसे थोड़ा मौसम अच्छा हो चुका है, पहले से बहुत अच्छा मौसम है, अब नॉर्मल हो गया, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म। अब ये नवंबर लग चुका है, लगने वाला है नवंबर, बहुत अच्छा मौसम है। और मैं आपको अपनी शांति के छत से यहाँ का व्यू दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है यहाँ से। हेलो हाय दोस्तों, तो हम चलते हैं हॉस्पिटल वर्मा जी का हाथ दिखाने, जो कि दिवाली में पटाखे से जल गया था। और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। आम के पेड़ इतने सारे हैं, हाँ हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल, आज पैदल ही जाना पड़ रहा है। यार चुप रो यार। तो हम चले हॉस्पिटल और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ का व्यू। देखिए आम के पेड़ इतने सारे हैं यहाँ पे, कुसुमखेड़ा है ये कुसुमखेड़ा दोस्तों। दोनों भाई बहन से स्पीड में चल रहे हैं। वाह, वहाँ पे फूल देख शांति, जब हम पिछली बार आए थे थोड़े फूल खिले थे वहाँ पे, और इस बार इतने सारे सब खिल गए। अरे देखो यहाँ पे हमारे वहाँ तो पहाड़ साइड में धान काट चुके हैं, यहाँ भी फसल ही अच्छे से नहीं हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग, अभी कच्चे हैं यहाँ पे धान। हमारे यहाँ तो लोगों ने धान काट के सब तैयारी कर चुके हैं वो लोग, और यहाँ पे धान नहीं पता है। और ये देखिए फूल, वाओ गेंदे के फूल देखिए कितने अच्छे तरह से खिले हुए हैं पूरे खेत में। भाई बहन मेरे लिए रुक ही नहीं रहे हैं। और थोड़ा रुक जाओ मेरे लिए भी। यहाँ का मंदिर दुर्गा माता जी का मंदिर है।
इस तरह से रहते हैं यहाँ लोग, कोई कोई अभी भी झुग्गियों में। तो पहुंच चुके हैं हम लोग मेन रोड पर, जो हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं वो इसी लाइन में है, वो नीचे ऊंचा पुल में है वो हॉस्पिटल। पहुंच चुके हैं हम लोग। तो वर्मा जी जा चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो वर्मा जी जा चुके हैं अंदर, ड्रेसिंग हो रहा है उनके हाथ में। डॉक्टर ने बोला ड्रेसिंग करवाने के लिए, थोड़ा लेट हो गए हम लोग ड्रेसिंग करवाने के लिए, तो अभी उनके हाथों में ड्रेसिंग करवा रहे हैं, अंदर चले गए। हम लोग उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मिलते हैं ड्रेसिंग के बाद उनके साथ। दर्द हो गया? दर्द हुआ? हो गया इनका ड्रेसर? हाँ अच्छा।